पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, दिग्विजय सिंह सहित अरुण यादव, कमलेश्वर पटेल, मुकेश नायक सहित कांग्रेस के तमाम बड़े नेता रीवा पहुंचे। यहां पर पूर्व डीजीपी, पूर्व विधायक शिव मोहन सिंह को श्रद्धांजलि देने। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, दिग्विजय सिंह सहित अरुण यादव, कमलेश्वर पटेल, मुकेश नायक सहित कांग्रेस के तमाम बड़े नेता रीवा पहुंचे। यहां पर पूर्व डीजीपी, पूर्व विधायक शिव मोहन सिंह को श्रद्धांजलि देने। आज पूर्व विधायक, पूर्व डीजीपी की श्रद्धांजलि सभा का आयोजन रीवा में किया गया था। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव सहित कांग्रेस के पूर्व मंत्री रीवा पहुंचे, जहां पर पूर्व डीजीपी, पूर्व विधायक श्री मोहन सिंह की श्रद्धांजलि देने के लिए आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने के लिए वो यहां पर मौजूद थे। हम आपको बता दें, पूर्व डीजीपी, पूर्व विधायक अमर पाटन के पूर्व कांग्रेस विधायक, प्रदेश के विधानसभा उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह के पिता थे, जिनकी अभी कुछ दिन पहले ही मौत हो गई थी। घर पर फिसल जाने की वजह से पूर्व डीजीपी, पूर्व विधायक को इलाज के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल में कई दिनों तक भर्ती कराया गया था, लेकिन उनकी तबीयत ना ठीक हो पाई। उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए अल्प प्रवास पर रीवा पहुंचे प्रदेश के सभी वरिष्ठ कांग्रेस नेता, जिनका चोराटा हवाई पट्टी पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष रुगी नारायण शुक्ला, शहर कांग्रेस अध्यक्ष गुरमीत सिंह मंगू, महापौर रीवा अजय मिश्रा बाबा सहित कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं ने स्वागत किया। कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं ने हवाई पट्टी से रेड कारपेट पहुंचकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, पूर्व पीसीसी चीफ अरुण यादव, पूर्व कैबिनेट मंत्री कमलेश्वर पटेल, पूर्व मंत्री मुकेश नायक सहित वरिष्ठ नेताओं ने पूर्व विधायक, पूर्व डीजीपी स्वर्गीय श्री मोहन सिंह जी की स्मृति में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में शामिल होकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर विशेष वायुयान से भोपाल के लिए रवाना हो गए। पूर्व डीजीपी, पूर्व विधायक श्री मोहन सिंह काफी मिलनसार थे। हम आपको बता दें, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री किसी जमाने में कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे अर्जुन सिंह के काफी नजदीकी रिश्तेदार थे। आज श्रद्धांजलि सभा में रीवा शहर और प्रदेश भर के तमाम बड़े नेता की मौजूदगी यह बताने के लिए पर्याप्त थी श्री मोहन सिंह का व्यक्तित्व कैसा था। शिव मोहन सिंह अमर पाटन से विधानसभा का चुनाव जीते थे। यहाँ पर से उनके बेटे राजेंद्र सिंह चुनाव जीतते रहे हैं और प्रदेश की राजनीति में कभी मंत्री बनकर, कभी विधानसभा उपाध्यक्ष बनकर अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हैं। माना जा सकता है श्री मोहन सिंह जी का परिवार इलाके में अपनी एक अलग पहचान रखता है। श्री मोहन सिंह जी के बड़े भाई, जिनको रीवा में मेजर साहब के नाम से पहचाना जाता था, स्वर्गीय अर्जुन सिंह के ससुर थे। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी उनकी तारीफ करते हुए उन्हें एक मिलनसार व्यक्तित्व का खिताब दिया। वहीं जिस फील्ड में रहे उस फील्ड में उच्च पद तक पहुंचे, यह उनकी काबिलियत बताती है। हमने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से बात की, आपको सुनाते हैं श्री मोहन सिंह जी को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी उनके व्यक्तित्व की तारीफ की। उन्होंने कहा, वो जिस पद पर रहे उच्च पद तक गए। सीधा सा मतलब है, पुलिस विभाग की उन्होंने नौकरी की और पुलिस विभाग के सर्वश्रेष्ठ बड़े पद डीजीपी के पद से रिटायर हुए थे। उसके बाद राजनीति में गए, एक चुनाव उन्होंने लड़ा, वो भी उन्होंने आसानी से चुनाव जीत लिया था। तब से लेकर आज तक वो जनता की सेवा में लगे रहे, चाहे वो पुलिस की नौकरी के माध्यम से रहा हो या फिर समाज सेवा के माध्यम से। हालांकि उनका परिवार राजनीति से जुड़ा हुआ परिवार है, उनके परिवार के लोग राजनीति में रहकर समाज सेवा का काम करते ही रहते हैं, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण उनके बेटे राजेंद्र सिंह जी।